So in this session, I'll be discussing all important inventions and discoveries with you. So please stay tuned. Okay. So these types of questions, these are very important for your examination. Okay. So I welcome you all in this session today. Good afternoon, Preeti Lagna. Good afternoon, Jai Hind. Jai Hind, Abhay. Hello, Shrikant, Anmol, Abhay Dwivedi, Usha Rajput, Naveen Kumar, Chanchal, Atharv, Abhay, Naven. Okay, so I'll be discussing with you these important inventions and discoveries. Okay, so please do let me know if my voice and video are clear to you. आपको voice और video clear है? जल्दी से बताइए. तो आज के session हम लोग देखेंगे कि ये important inventions और discoveries जो हैं, वो आप सभी के सभी exams में बहुत ही important questions constitute करते हैं. आपके एग्जाम में आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके हिस्ट्री के टॉपिक से भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, सो शॉर्टली आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद दिस क्विज सेशन विद यू. ओके, मोर ओवर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द क्विज, आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन यू टू प्लीज शेयर द सेशन एंड लाइक इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे और लाइक करना भी ना भूलें. ओके, अब सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग देखेंगे कि ये जो टॉपिक है, ओके, दीज आर वेरी स्टैटिक इन नेचर, और स्टैटिक होने के साथ साथ दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस. ये डायरेक्ट आपके ऐसे मार्क्स में, चाहे एफकेट एग्जामिनेशन हो, सीडीएस एग्जामिनेशन हो, आईएनएट, एनडीए, सभी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पूछ लिए जाते हैं. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस सेशन, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन केस यू वांट टू ज्वाइन द इंडियन डिफेंस फोर्सेस, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर डिफेंस चैनल. ये जो हमारा डिफेंस चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें. बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे. ओके, जो आपके प्रिपरेशन में, आपको अपडेटेड रखने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं. ओके, इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल पर हम लोग आपके साथ सभी सेशंस के पीडीएफ्स इन डिटेल डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई विल बी गिविंग यू ऑल पीडीएफ्स इन द टेलीग्राम चैनल. ओके, एंड दिस नेम ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल इज डिफेंस एग्जाम प्रेप. ओके, उषा, आपका डाउट है सर, एफकेट एग्जाम के लिए कौन सी बुक? एफकेट एग्जामिनेशन के लिए आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया एज टू व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, दे आर सिंपल वन लाइनर्स. यूपीएससी की तरह इन डिटेल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछे जाते. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद दी सेशन, आप लोगों के अगर एग्जामिनेशन क्वेरीज हैं तो भी आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू कंसेंट्रेट ऑन दी सेशन वेन दी क्विज इज गोइंग ऑन. तो आप लोगों के अगर पहले कोई डाउट्स हैं तो आप लोग मुझसे अभी पूछ सकते हैं. ओके, आप लोग पूछ सकते हैं, बिकॉज लाइक दीज ग्रेड अप अचीवर्स, आप लोग भी अपनी जो रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन है उसे सक्सेसफुली क्लियर कर सकते हैं, एंड देन यू विल बी क्लियरिंग द फर्स्ट स्टेप टू गेट इन टू दी आर्म्ड फोर्सेस. ओके, यस अमन शुक्ला, आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ नाउ, बट आई विल बी टेकिंग योर कमेंट्स बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ, बिकॉज आई हैव सीन कैंडिडेट, दे आर वरीड थ्रू आउट द सेशन एंड दे डू नॉट कॉन्सेंट्रेट अपॉन द सेशन. ओके, सो आई विल बी जस्ट स्टार्टिंग ऑफ. अभय द्विवेदी, आपको कोई एग्जाम, एनडीए एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए भी, इफ यू हैव सब्सक्राइब टू आर कोर्स, दैट कोर्स इज बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, नो, या अभी तक कोई चांस नहीं है एफकेट एग्जाम के पोस्टपोन होने का. ओके, एफकेट एग्जाम के पोस्टपोन होने का कोई भी चांस नहीं लग रहा है अभी तक. ओके, चलिए, उसके अलावा आप लोगों को एक और मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप सभी लोग जो सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ओके, सो फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, उससे पहले आज टुडे एट 4 PM, टुडे एट 4 PM आकाश रणदेव सर विल बी देयर इन दिस सेशन, फॉर दिस सेशन ऑन द बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. वो आपके साथ आज शाम को 4 बजे डिस्कस करेंगे, सो प्लीज डू नॉट मिस ऑन विद दिस अपॉर्चुनिटी. ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस ना करें, एंड यू कैन ऑल्सो क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स. ओके, उषा, यहां पर आपका डाउट है सर, एफकेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक, बिल्कुल हो सकता है. एफकेट आप देखेंगे, इट इज द सिंपलेस्ट एग्जामिनेशन.
okay? It is the simplest examination for which you can prepare, okay? English, maths, reasoning और बहुत basic level of general knowledge जो है वो आप लोगों से पूछी जाती है, okay? तो आप लोग देखेंगे AFCAT exam preparation जो है, it is a very simple examination that is conducted, okay? यश, CDS के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना होता है, okay? Only graduation is the requirement for your CDS exam, okay? हेलो सैफ, जहेन, ओके। अब यहां पर अगर हम सेशन स्टार्ट करें, इससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट, दैट फॉर ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड इन नवंबर 2020, ओके, आप लोगों के लिए ग्रेड अप ने बायलिंगुअल कोर्सेज लॉन्च किया है, और बायलिंगुअल के साथ साथ वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड एन इंग्लिश ओनली कोर्स, ओके। बायलिंगुअल कोर्सेज में आपके लिए क्लासेस जो हैं वो दोनों भाषाओं में कंडक्ट कराई जाएंगी, बट इन इंग्लिश, इट विल बी ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद जो CDS के कोर्सेज हैं, द कोर्सेज फॉर IMA, इंडियन नेवल एकेडमी एंड द एयरफोर्स एकेडमी, दीज कोर्सेज विल ऑफर यू मोर देन 300 लाइव क्लासेस, ओके, 250 प्लस PDFs, 6500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद 16 मोर देन 16 वीकली टेस्ट एंड 30 मॉक टेस्ट फॉर सो एज टू फाइन ट्यून योर प्रिपरेशन, ओके। इसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि इस सेशन में यहां पर आप लोगों को साथ हमने आपकी CDS IMA INA AFA की प्रिपरेशन के साथ साथ CDS OTA के लिए भी आप लोगों के लिए ये कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया है। यहां पर भी कोर्सेज आपके बायलिंगुअल लैंग्वेज में लाए गए हैं, और बायलिंगुअल के साथ साथ आप लोगों के लिए यहां पर कोर्सेज इंग्लिश ओनली लैंग्वेज में भी लाया गया है, ओके। ये जो कोर्सेज हैं CDS OTA के लिए, ओके, दिस कोर्स ऑफर्स 200 प्लस लाइव क्लासेस, 150 प्लस PDFs एंड 4500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद 16 वीकली टेस्ट टू ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड 20 मॉक टेस्ट विद डिटेल्ड एनालिसिस टू मेक यू एग्जामिनेशन रेडी, ओके। दोनों ही कोर्सेज के साथ साथ हम आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ SSB इंटरव्यू की भी स्टेज वन की प्रिपरेशन कराएंगे, ओके। SSB इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन आप लोगों के साथ कराई जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि रिटन के साथ साथ जो सबसे ज्यादा रिजेक्शन होता है, द मैक्सिमम रिजेक्शन टेक्स प्लेस इन दी SSB इंटरव्यू, एंड वी विल ऑल्सो बी प्रिपेयरिंग यू फॉर दी written exams as well as for the SSB interview, okay? So this course is a combo offer for you, okay? ये course आपके लिए एक combo offer के तौर पर लाया गया है, जो आपकी preparation को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करा सकता है, okay? दूसरा, आप सभी defense aspirants के लिए एक और news, आपको ये जो समय दिया गया है lockdown की situation में, जो आपके साथ समय मिला है, ठीक है, इस situation को best use करें, ओके। प्लीज डू नॉट वेस्ट ऑन विद दिस अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अपनी जो प्रिपरेशन है उसे चालू रखें। ऐसा मौका आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा, वेर इन यू विल हैव ऑल टाइम ऑन योर ओन डिस्क्रिशन। ये सारा समय आपके ही डिस्क्रिशन पर आपको अवेलेबल रहेगा, ओके। सो शॉर्टली ये सेशन मैं आप लोगों के साथ शुरू करने वाला हूं, वेर इन आई विल बी डिस्कसिंग दिस क्विज विद यू, ओके। क्विज में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ओके। उसके अलावा ये जो कोर्सेज है, दिस कोर्स विल ऑफर यू लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। स्टडी नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द PDF फॉर्म फॉर योर रिवीजन। आपको रिवीजन के लिए स्टडी नोट्स जो है वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपके लिए रहेगी, दैट इज योर क्विज विच इज कंडक्टेड इन द एंड ऑफ द सेशन, ओके। सो आई विल बी शॉर्टली स्टार्टिंग। उसके अलावा वीकली टेस्ट आपको प्रोवाइड जाएंगे। वीकली टेस्ट आपकी प्रिपरेशन को सेल्फ असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देयर विल बी लास्ट इन लास्ट यू विल गेट द मॉक टेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। आपका जो मॉक टेस्ट आपको लास्ट मिनट प्रोवाइड कराए जाएंगे, विच विल हेल्प यू टू असेस योरसेल्फ, ओके। इसके अलावा आप लोग ये कोर्सेज हैं दैट विल बी टॉट टू यू बाय एक्सपर्ट फैकल्टी, ओके। द फैकल्टी व्हिच हैव गॉट डेकेड्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ये है इस कोर्स की GK टीम, ओके। GK टीम में आप ये देख सकते हैं, आकाश रणदेव सर विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर जनरल नॉलेज। आकाश रणदेव सर अलोंग विद मी एंड अंकुश गाबा सर,
हम लोग आपकी जनरल नॉलेज की जो प्रिपरेशन है उसे मजबूत रखेंगे, आपकी जनरल नॉलेज जो एक सबसे डाइसी पार्ट प्ले करता है सीडीएस एग्जामिनेशन में, वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर जनरल नॉलेज, आपकी जनरल नॉलेज का ध्यान रखा जाएगा। उसके अलावा यहां पर इंग्लिश ओनली कोर्सेज में विक्रांत कथूरिया सर विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर इंग्लिश, एंड इन बायलिंगुअल कोर्सेज नवीन अय्यर सर विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर इंग्लिश, एंड एट लास्ट विकास दहिया सर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर मैथमेटिक्स। ओके, तो सभी कैंडिडेट्स अब आप लोग एग्जाम के लिए क्विज के लिए रेडी हो जाइए। ओके, जस्ट जल्दी से जिन्होंने आई एम सीइंग दैट मोर देन अराउंड 60 कैंडिडेट्स आर वॉचिंग दी सेशन एंड दे हैव नॉट लाइक्ड दी सेशन येट, जल्दी से सेशन लाइक करें। आप सभी का वेट हो रहा था, अभी तक आप आ गए हैं, अब क्विज स्टार्ट होने वाला है। ओके, फॉर योर प्रिपरेशन फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड लेजर, बताइए हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड लेजर। नहीं उषा, टुमारो अगेन आई विल बी कमिंग अप विद द पार्ट टू ऑफ द डिस्कवरी एंड ऑन सैटरडे आई विल बी कंडक्टिंग द जीके क्विज फॉर यू। ओके, सो इन एवरी वीक आई कम फॉर अराउंड 4 क्लासेस ऑन यूट्यूब। ओके, तो आप लोगों की प्रिपरेशन का बहुत ध्यान रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड लेजर, बताइए हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड लेजर। इन्वेंटेड लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, अब यहां पर अगर हम लेजर की बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो ये जो वर्ड है लेजर, दिस वर्ड लेजर, इट इंप्लीफाइज लाइट एम्प्लीफिकेशन। इट इंप्लीफाइज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ओके ऑफ रेडिएशन। ओके, सो दिस टर्म लेजर, इट वॉज इन्वेंटेड बाय ऑप्शन नंबर ए थियोडर मेमेन। ओके, इट वॉज इन्वेंटेड बाय थियोडर मेमेन इन द ईयर 1960, 1960 में उनके द्वारा आविष्कार किया गया था। दूसरा आप लोग देखेंगे दिस, इट वॉज रिसर्च एट द ह्यूज रिसर्च लेबोरेटरी। ओके, और ये यहां पर साइंटिस्ट चार्ल्स हार्ड टाउनस और आर्थर लियोनार्ड का जो रिसर्च वर्क था उसके बाद इसे इन्वेंट किया गया था, उसके बाद दिस फर्स्ट लेजर इट वॉज इन्वेंटेड। ओके, सो फाइनली इट वॉज आफ्टर द हार्ड वर्क एंड रिसर्च ऑफ चार्ल्स हार्ड टाउनस एंड आर्थर लियोनार्ड, इट वॉज थियोडर मेमेन हु इन्वेंटेड द फर्स्ट लेजर। ओके, और आप सभी को इसके साथ ईयर्स भी पता होना जरूरी है, क्योंकि सीडीएस एग्जामिनेशन में आपको सभी एक्सपेरिमेंट्स के आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने का भी ऑप्शन दे दिया जाता है। ओके, चलिए गोइंग अहेड, सेकंड क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड पेंसिलिन, बताइए हु इन्वेंटेड पेंसिलिन, हु इन्वेंटेड पेंसिलिन। ऑप्शंस आर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पेस्टर, ड्रेसर और एडवर्ड जेनर। ओके, ये सेशन स्टार्ट हो चुका है एंड दोज ऑफ यू हु हैव नॉट लाइक्ड दी सेशन, ओके, जल्दी से सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल गौरव, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, हु इन्वेंटेड पेंसिलिन। सभी कैंडिडेट जो है वो यहां पर जरूर अटेम्प्ट करते रहे क्वेश्चन को। ओके, आप सभी लोग यहां पर इसे बिल्कुल अटेम्प्ट करते रहे सभी कैंडिडेट्स। ओके, पेंसिलिन अगर हम बात करें तो आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, एलेक्जेंडर ये जो नाम था पेंसिलिन, ओके, इस टर्म पेंसिलिन का मतलब था मोल्ड जूस। ओके, एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड इट वॉज इसे बताया जाता है कि ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो गई थी व्हाइल ही वाज डिस्कवरिंग दी एंटीबायोटिक्स इन 1928 में जब एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी ये कर रहे थे उस समय के दौरान ही इन्वेंटेड इट एक्सीडेंटली। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो
क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. इट वॉज एट द लेबोरेटरी ऑफ सेंट मैरीज हॉस्पिटल वेर इन ही डिस्कवर्ड पेंसिलिन. ओके, और फ्लेमिंग ही कॉइंड द टर्म पेंसिलिन टू डिस्क्राइब द फिल्ट्रेट ऑफ ब्रॉथ एंड दी पेनिसिलियम मोल्ड. ठीक है, फ्रॉथ और पेनिसिलियम मोल्ड जो है उसके उसका जो एक फिल्ट्रेट था उसके ये टर्म, उससे रिलेटेड ये टर्म दी गई थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर. बताइए, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर. हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर. ओके, ऑप्शंस हैं आपके सामने, चार्ल्स बेबेज, स्टीफन हॉकिंग, डब्ल्यू सी ग्रेस और जॉन लेनन. हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर का आविष्कार जो 1837 में आप लोगों ने देखा था, दैट इट वाज इन्वेंटेड. ओके, और अब इट वाज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल इंजन. ओके, आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज. ओके, तो ये जो एनालिटिकल इंजन 1837 में इन्वेंट किया गया था, इट कंटेन्ड एन एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो ALU कहा जाता है. वो ALU इसका हिस्सा रहा था, जो एक एनालिटिकल इंजन बनाया गया था. ठीक है, जो किसी प्रकार से फ्लो कंट्रोल, इंटीग्रेटेड मेमोरी, इन सभी को इंटीग्रेट करके एस्टेब्लिश किया गया था. ओके, सो ये जो एनालिटिकल इंजन बनाया गया था, देन इट वॉज कोरिलेटेड विद द कंप्यूटर विच वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूज अलॉन्ग विद द एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर. बताइए, हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर. हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर. हां जी, अरे सुमित बड़ोला जी, सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जरूरी हैं. बताइए, हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर. सभी लोग जल्दी से आप लोग आंसर देते रहें, आप सभी लोग यहां पे आंसर देते रहे. जो लोग अभी तक अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओके, वो भी यहां पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं. प्लीज कीप ऑन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन. आप लोगों यहां जितने आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा आप लोगों की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन हो पाएगी. ओके, आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी चलेगी जितना आप लोग यहां पर अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वही आपकी प्रिपरेशन को सबसे ज्यादा असेसमेंट का मौका दिया जाता है. ओके, चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन आप लोग देखेंगे द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर सी, इगोर सिकोर्स्की. ठीक है, इट वॉज आइगोर सिकोर्स्की हु इन्वेंटेड द हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर का आविष्कार जिनके द्वारा किया गया था, एंड ही वॉज द फर्स्ट वन हु सक्सेसफुली इन्वेंटेड द फर्स्ट हेलीकॉप्टर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय हुम. बताइए, ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय हुम. ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय हुम. ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय हुम. ऑप्शंस आप सभी के सामने आ चुके हैं. ओके, सो आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर बी, लैंडस्टीनर. ओके, अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें ब्लड ग्रुप्स देवर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1900 एंड 1901. ओके, और ये यहां पर किया गया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में. ओके, इट वॉज डन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना. ओके, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं दैट इट वॉज बाय कार्ल लैंडस्टीनर. ओके, जिसके बाद आप ये देखेंगे कि 1930 में ही ऑल्सो रिसीव्ड द नोबल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरीज. 1930s में यहां पर इन्हें नोबल प्राइज भी दिया गया था फॉर हिज डिस्कवरीज ऑफ ब्लड टाइप्स. ओके, तो यहां पर एक क्वेश्चन में आपको दो चीजें पता चल रही है, दैट वेयर वॉज इट इन्वेंटेड एंड वेन डिड ही रिसीव द नोबल प्राइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय हुम. बताइए, द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय हुम.
टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय हुम? बताइए, मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जे एल बर्ड एंड थॉमस बैरो। बताइए, दी टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय हुम? ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन इन दी क्लास टुडे, आज का सबसे सिंपल क्वेश्चन। सो आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ओके, दिस टेलीफोन इट वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ओके, जो आप देख सकते हैं, ही वॉज अ स्कॉटिश बॉर्न साइंटिस्ट। कई बार आप लोगों के एग्जाम में इन्वेंटर और उनकी कंट्री जो है वो पूछ ली जाती है, ठीक है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हु वॉज अ स्कॉटिश बॉर्न साइंटिस्ट, ठीक है, ही वॉज दी वन हु इन्वेंटेड दी फर्स्ट प्रैक्टिकल टेलीफोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ वाईफाई? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ वाईफाई? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ वाईफाई? बताइए, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ चुके हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ वाईफाई? तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर डी, विक हेयर्स। ओके, द वाईफाई इट वॉज इन्वेंटेड बाय विक हेयर्स। ओके, एंड ही हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ वाईफाई बिकॉज ही वॉज द वन हु चेयर्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जो IEEE बोला जाता है। उस IEEE कमिटी की जो मीटिंग हुई थी, उस IEEE कमिटी की मीटिंग में ही वॉज द वन हु क्रिएटेड द वाईफाई, ठीक है? और जहां पे 802.11 के जो स्टैंडर्ड थे, दे वर क्रिएटेड इन 1997। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम? बताइए, इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम? एफ बेंटिंग, एडवर्ड जेनल, रोनल्ड रॉस और एस ए वेक्समैन। ओके, अथर्व, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1997। 1997 में डिस्कवर किया गया था। बताइए, ओके, सो टेल मी व्हाट इज द आंसर इन दिस केस। और आप लोगों के लिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्विज कल भी लाया जाएगा। टुमारो एट सेम टाइम आई विल बी कमिंग अप विद द पार्ट टू ऑफ द क्विज। ओके, बताइए व्हाट इज द आंसर। इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम? इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम? तो यहां पर ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे इंसुलिन की बात करी जाए, आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर ए, एफ बेंडिंग। ओके, इट वॉज फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग, हु वॉज अ कैनेडियन मेडिकल साइंटिस्ट, फिजिशियन, पेंटर एंड अ नोबल लोरिएट। ओके, हु डिस्कवर्ड द इंसुलिन एंड ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज इट ऑन ह्यूमंस। ओके, गोइंग बाय द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड ई मेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? बताइए, ईमेल फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? जैक डॉर्से, लैरी पेज, टिम सोमर और आर एस टॉमलिंसन। हु इन्वेंटेड ईमेल, द इलेक्ट्रॉनिक मेल? हु, और आप देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ईमेल? फादर ऑफ ईमेल भी यहां पर बोला जा सकता है। बताइए व्हाट इज द आंसर इन दिस केस। ये आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझना। तो आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर बी, आर एस टॉमलिंसन। एंड आर एस टॉमलिंसन, ही इज रिगार्डेड द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। दूसरा आप लोग देखते हैं कि आर एस टॉमलिंसन, ही वॉज द फर्स्ट, इट वॉज द फर्स्ट सिस्टम able to send an electronic mail between the users on different hosts, ठीक है? और आप लोग देखेंगे यहां पे रे टॉमलिंसन ने यहां पर पहली बार अर्पानेट में 1971 में ईमेल का इस्तेमाल किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द एक्सरेज?
डिस्कवर्ड द एक्सरेज? हु डिस्कवर्ड द एक्सरेज? डब्ल्यू सी रॉन्टजेन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, सैमुअल कोहेन और एडवर्ड टेलर? एडवर्ड टेलर बताइए, हु डिस्कवर्ड द एक्सरेज? जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसमें, हु डिस्कवर्ड द एक्सरेज? ओके, सो आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू सी रॉन्टजेन. ओके, ही वॉज द पाइनियर. आप ये बोलते हैं डब्ल्यू सी रॉन्टजेन, ही वॉज द पाइनियर टू प्रोड्यूस एंड डिटेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके, और इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ है देवर डिस्कवर्ड इन 1895. ओके, एंड ही वॉज ऑल्सो रिवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द सेम. नोबल प्राइज इन फिजिक्स जो है वो भी इन्हें दिया गया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फोनोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट? फोनोग्राफ का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? हेंस गेजर, ओके, हेंस ऑस्टर्ड, थॉमस एडिसन और पॉल कॉर्नो? बताइए फोनोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय हूम? फोनोग्राफ जिसे आप देखते हैं कि फोनोग्राफ जो पहले इस्तेमाल किया गया था फॉर द मैकेनिकल रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, बाद में इसे फोनोग्राफ को ग्रैमोफोन भी कहा गया है. ओके, ग्रैमोफोन भी यहां पर फोनोग्राफ को बोला गया था. सो इट वॉज द फोनोग्राफ, दिस वॉज द डिवाइस. ओके, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस एडिसन. इसका आविष्कार थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया था इन 1877. It was in 1877 when he discovered phonograph, जिसे बाद में आप लोग ग्रामोफोन भी कहते हैं. Next question, who was the first to use radio waves to detect the presence of distant metallic objects? Joseph Niepce, Blaise Pascal, Linus Pauling or Hulsmeyer? बताइए who was the first to use radio waves to detect the presence of distant metallic objects? बताइए क्या आंसर है, फर्स्ट टू यूज रेडियो वेव्स क्या हो सकता है? जोसेफ नेप्स, ब्लेज पास्कल, लेनस पॉलिंग और हुजलमेयर? टेल मी व्हाट इज द आंसर इन दिस केस. आपके लिए यहां पे एक और हिंट मैं देता हूं, ही इज अ जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट. ओके, तो आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर डी, हुल्समेयर. ओके, जर्मन इन्वेंटर थे, जर्मन साइंटिस्ट थे ये क्रिश्चियन हुल्समेयर, ठीक है, जिन्होंने पहली बार रेडियो वेव्स का आविष्कार किया था फ्रॉम इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंट मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स. ओके, और ये आविष्कार इन्होंने 1904 में किया था व्हेन ही डेमोन्स्ट्रेटेड द सेम ऑन डिटेक्टिंग अ शिप इन डेंस फॉग. ओके, डेंस फॉग काफी कोहरे में एक शिप को डिटेक्ट करने के बाद किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड टेलीविजन? माइकल फेराडे, जोसेफ हेनरी, एबे कैसिली और जॉन बेयर्ड? बताइए हु डिस्कवर्ड टेलीविजन, हु डिस्कवर्ड टेलीविजन? आपके एग्जाम में काफी बार यहां पर ओरिजिन पूछ लिया जाता है, साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है, और वो आप लोगों से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी पूछ सकते हैं. टेल मी हु डिस्कवर्ड टेलीविजन. ओके, सो आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर डी, जॉन बेयर्ड. ओके, इट वॉज जॉन बेयर्ड हु डिस्कवर्ड द मैकेनिकल कलर टेलीविजन इन 1926. इन्होंने 1926 में मैकेनिकल कलर टेलीविजन जो था उसका आविष्कार किया गया था. ही वॉज ऑल्सो ऑफ द स्कॉटिश ओरिजन, ठीक है, और आप लोग बताते देखते हैं कि ये जो टेलीविजन यहां पर बनाया गया था, यहां पर इन्होंने ही यूज द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ही यूज अ फोटो सेल एंड ऑल्सो अ वीडियो एम्पलीफायर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द प्रिंटेड प्रेस? प्रिंटेड प्रेस का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? हु इन्वेंटेड द प्रिंटेड प्रेस? बताइए Who invented the printing press? Tell me, who invented the printing press? Stephen Sesson, Narendra Singh Kapani, Jonas Gutenberg or J.L. Baird?
ओके सो मोस्ट ऑफ यू यू आर आंसरिंग इट करेक्टली, सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है. आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर सी, जोहानस गुटेनबर्ग. ओके ही वॉज द वन हु इन्वेंटेड दी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस. और आप यहां पर देखिए जो इंडियन नेम नरेंद्र सिंह कापनी जो नाम पता चल रहा है, ही वॉज दी वन हु इन्वेंटेड दी फाइबर केबल. ओके ही वॉज दी वन हु इन्वेंटेड दी फाइबर ऑप्टिकल केबल. ओके वो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय नरेंद्र सिंह कापनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड रडार, बताइए हु इन्वेंटेड रडार. फ्रेड मॉरिसन, ए एच टेलर और एंड लियोसी यंग, वेन टेसल एंड डब्ल्यू के रॉटजन. टेल मी हु इन्वेंटेड दी रडार. रडार का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? रडार आप लोग देखते हैं इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स. आप लोग देखते हैं कि रेंज एंगल एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी डिटरमिंड बाय रडार. ओके सो आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर बी, ए एच टेलर एंड लियोसी यंग, जिनके द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था. ठीक है, इन्होंने जो रडार बनाया था दैट रडार कंप्राइज ऑफ अ ट्रांसमीटर, ओके फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना और रिसीवर एंड ऑल्सो अ प्रोसेसर वॉज पार्ट ऑफ इट. ओके सो रडार वॉज इन्वेंटेड बाय ए एच टेलर एंड लियो सी यंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट जे बी डनलप इन्वेंटेड, जे बी डनलप ने किनका आविष्कार किया था? न्यूमेटिक रबर टायर, ऑटोमोबाइल व्हील रिम, रबर बूट और मॉडल एयरप्लेन्स, बताइए. यस श्रीकांत, दीज आर ऑल्सो यूज इट दीज आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन शिप्स ऑल्सो इन एयरक्राफ्ट. ओके सो इन ऑल दीज मशीन द रडार प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके बताइए वॉट डज जे बी डनलप इन्वेंटेड. यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि एक सेशन, ये बहुत ही इन डिटेल नॉलेज बहुत अच्छा आप लोगों के काम आने वाला है सभी एग्जाम्स में. ओके सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दी सेशन. जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को जल्दी से लाइक करें एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. इसी सेशन का पार्ट टू मैं कल आप लोगों के लिए दोबारा लेकर आऊंगा एट दी सेम टाइम 2 PM. कल दोपहर को 2 बजे मैं पार्ट टू इस सेशन का लेकर आऊंगा. बताइए वॉट वॉज इन्वेंटेड बाय जे बी डनलप. जेबी डनलप के द्वारा किन चीजों का किसका आविष्कार किया गया था? बिल्कुल अब है, दी पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू एट दी टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा. आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेटिक रबर टायर. न्यूमेटिक रबर टायर जो है उनका आविष्कार यहां पर जेबी डनलप के द्वारा किया गया था इन 1887 1887 में यह आविष्कार किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंट वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन विच कंट्री. सीमेंट का आविष्कार किस देश में किया गया था? बताइए सीमेंट का आविष्कार किस देश में किया गया था? सीमेंट वॉज डिस्कवर्ड इन विच सेशन इन विच कंट्री, बताइए. सीमेंट वॉज इन्वेंटेड इन विच कंट्री. आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन. ओके अब यहां पर सीमेंट के बारे में अगर आप ये देखेंगे, इट वॉज इन्वेंटेड इन ब्रिटेन. ओके और सीमेंट का जो इस्तेमाल किया गया था, इट वॉज यूज एज अ बाइंडर सब्सटेंस इन कंस्ट्रक्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द सबमर्सिबल. ओके सबमर्सिबल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉन फिच, हैंस ओरस्टेड और डेविड बुशनल, बताइए. द फर्स्ट सबमर्सिबल वॉज इन्वेंटेड बाय हूम? फर्स्ट सबमर्सिबल, ठीक है, आप ये सबमर्सिबल देख सकते हैं ऑन द प्रिंसिपल ओवर विच सबमरीन्स आर मेड. ओके सबमरीन्स जिनके द्वारा जिस प्रिंसिपल पर बनाई जाती है. ये आप लोग जो सीमेंट पे देख रहे थे, सीमेंट इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ एस्पिडिन. ओके सीमेंट का आविष्कार जोसेफ एस्पिडिन के द्वारा किया गया था ब्रिटेन में.
बताइए दी फर्स्ट सबमर्सिबल, जिसे बाद में आप लोग सबमरीन जो थी उनके प्रिंसिपल पर भी देखा गया, सबमरीन वर ऑल्सो मेड ऑन दी सेम प्रिंसिपल। ओके, तो पहली बार ये जो सबमर्सिबल, जिसे आप ये एक प्रोटोटाइप ऑफ सबमरीन कह सकते हैं, इट वॉज इन्वेंटेड बाय डेविड बुशनेल। ओके, डेविड बुशनेल के द्वारा 1775 में इस्तेमाल किया गया था। ओके, एंड दिस सबमर्सिबल विच वॉज अ प्रोटोटाइप ऑफ सबमरीन, इट वॉज नेम्ड टर्टल। इसका नाम था टर्टल, ठीक है। और ये सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि कॉम्बेट इस्तेमाल, कॉम्बेट यूज में किया गया था, एंड विद दिस टर्टल दी एक्सप्लोसिव्स वर आल्सो अटैच्ड। ओके, एक्सप्लोसिव जो थे वो भी इसके साथ अटैच किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर कंडीशनर वॉज इन्वेंटेड बाय हूम? माइकल फेराडे, डब्ल्यू शॉकले, रॉबर्ट मैलेट और डी विल हैवी एंड लैंड कैरियर। बताइए एयर कंडीशनर वॉज इन्वेंटेड बाय हूम? दिस एयर कंडीशनर वॉज इन्वेंटेड बाय हूम? जो कैंडिडेट सेशन को लेट ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और उसके बाद अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ओके, जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहें और आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बताइए हु वॉज द वन हु इन्वेंटेड द एयर कंडीशनर? ओके, बताइए। तो आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर डी, विल हैवी एंड लैंड कैरियर। ओके, विल हैवी जो है, हु वॉज एन अमेरिकन इंजीनियर, ही वॉज द वन क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द फर्स्ट मॉडर्न एयर कंडीशनर। पहला मॉडर्न एयर कंडीशनर जो था वो विल हैवी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। बट उसके बाद आप लोग देखते हैं कि यहां पर 1902 में लैंड कैरियर ने और इसमें मॉडिफिकेशंस करने के बाद इवेपोरेशन का जो प्रोसीजर था उसे और इंप्रूव करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि बाय 1903 लैंड कैरियर एक बहुत ही इंप्रूव्ड लेकर आए थे, ठीक है, एक बहुत ही इंप्रूव्ड मॉडर्नाइज एयर कंडीशनर लेकर आए थे आफ्टर अपग्रेडिंग वेरियस थिंग्स। ओके, सो द इन्वेंशन ऑफ एयर कंडीशनर इट इज एक्रेडिटेड टू विल हैवी एंड लैंड कैरियर बोथ। ओके, जिसके बाद 1903 में पहली बार ये लाया गया था। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, हु डिस्कवर्ड द सेल वॉल फॉर द फर्स्ट टाइम? सेल वॉल का आविष्कार पहली बार किसके द्वारा किया गया था? डी डव, रॉबर्ट हुक, शिम्पर एंड रॉबर्ट ब्राउन। बताइए द सेल वॉल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वॉज डिस्कवर्ड बाय हूम? सेल वॉल, सेल वॉल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वॉज डिस्कवर्ड बाय हूम? बताइए। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। ओके, सेल वॉल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। यहां पर 1665 में पहली बार इसका आविष्कार किया गया था। ओके, एंड इट वॉज ड्यूरिंग अ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जब उन्होंने व्हेन ही ऑब्जर्व अ सेक्शन ऑफ कॉर्क। ओके, और ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर जो था वो उन्होंने देखा था, ठीक है, जिसके बाद इन्होंने ये जो टर्म थी पहली बार सेल टर्म का इस्तेमाल किया था, एंड सेल वॉल वॉज डिस्क्राइब्ड एज द स्ट्रक्चरल लेयर अराउंड दी सेल्स। ओके, तो आप लोग देखते हैं कि ये जो चीज है ये आप लोगों के एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है ये सवाल। ओके, एंड आंसर इन दिस केस इज रॉबर्ट हुक। ओके, सो आई होप यू वुड हैव लाइक दिस सेशन। आज शाम को एट 4 PM टुडे, Do not forget to attend the session on history. Akash Randev sir will be there and he'll be discussing everything related to the Battle of Panipat. Okay. उसी के साथ साथ Battle of Panipat, who are these battles? They are asked in your examination in CDS, AFCAT, CAPF, सभी exams में पूछा जाता है. तो Battle of Panipat के session को आप बिल्कुल भी miss ना करें. एंड टुमारो एट द सेम टाइम, कल दोबारा मैं 2 बजे आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊंगा ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। ओके, सो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन। आई विल सी यू ऑल टुमारो। टिल देन, प्रेप स्मार्ट, स्टडी सेफ, गो ग्रेड अप। जय हिंद।